हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी कॉमिक वर्ल्ड में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मार्वल ज़ॉम्बीज़ वॉल्यूम 2 का एपिसोड 4। इससे पहले के एपिसोड्स को देखने के लिए आपको उन एपिसोड्स की लिंक आई कार्ड में मिल जाएगी। तो आपकी एक्साइटमेंट का ध्यान रखते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। टचाला और वास्प को डिटेंशन लेवल से बाहर निकालकर फर्स्ट टचाला से पूछता है, अब भूख चली गई है तो तुम नॉर्मल बन गए? उस पर टचाला कहता है, नॉर्मल नहीं, पर भूख जा चुकी है। अब बहुत कुछ बदल चुका है सिवाय मेरे दिमाग के, और यही ज़रूरी है। तब रेनॉल्ड्स कहता है, तुम वास्प और हॉक आए कहीं जाकर छुप जाओ, सिग्नल देने पर तुम लोग बाहर आ जाना। मुझे नहीं लगता वो एक या दो महीने से ज़्यादा हमें लीड कर पाएगा। तब टचाला और वास्प हॉकाई को लेकर जाने लगते हैं, जहाँ रेनॉल्ड वास्प को अपना और हॉकाई का ध्यान रखने को कहता है और टचाला फॉर्ब से कच्चाला और हेनरिक का ख्याल रखने को कहता है और कहता है, जाने से पहले मैं उन्हें देख पाता। उस पर पीछे से आवाज़ आती है और कहती है, मैं इस बारे में कुछ कर सकता हूँ। हम देखते हैं एक्वालाइट्स और मेलकम ने कशांबा और हेनरिक को पकड़ के रखा था, जिस पे मेलकम टचाला से कहता है, तुम इन्हें गुड बाय कहे बगैर कैसे जा सकते हो, और कशांबा को अपने दादाजी के पास जाने को कहता है, जिस पे कशांबा मना करता है। तब मेलकम कहता है, तुम्हारे अपने पोते ने अपनी चॉइस कर ली, अब दूसरों की बारी है, और वो सारे लोगों को बाहर बुलाता है और उनसे पूछता है, देखो अपने महान लीडर को, वो एक मॉन्स्टर बन चुका है, अब ये तुम्हें सेफ रखेगा या खाएगा? क्या ये अब भी लीडर बनने के लायक है? लेकिन वाकंडा के लोग मेलकम को छोड़कर आसमान में देख रहे थे, जिस पे मेलकम कहता है, तुम लोग क्या देख रहे हो? हम देखते हैं ज़ॉम्बीज को। तब टचाला कशांबा और हेनरिक को अंदर जाने को कहता है। उस पर जायंट मैन पैंथर को देखकर कहता है, हमने तुम्हें कैसे छोड़ दिया और तुम अब तक बचे हुए हो? तब टचाला कहता है, जैसे कि तुम देख सकते हो, तुम जैसे लोग अब इंसान नहीं रहे, पर जिन्हें मैं पहले जानता था वो अच्छे लोग थे और वो कभी ऐसा नहीं करते। और जेनेट उसे कहती है, तुम्हें इस भूख की गुलामी करने की ज़रूरत नहीं, तुम टचाले की तरह इस पर काबू कर सकते हो। उस पर जेंट मैन बताता है, ये अनस्टॉपेबल है, इस पर काबू करना मुश्किल है। तब हल्क कहता है, बहुत हो गई बातें, और हल्क आगे बढ़कर कहता है, हल्क खाना चाहता है। तब फोर्ज टचाला के कहने पर हेनरिक और कशांबा को एस्ट्रॉइड एम की तरफ ले जाने लगता है, जिस पर हेनरिक पूछती है, क्या हम वहाँ सेफ रहेंगे? उस पर फोर्ज कहता है, नहीं, पर हमारे पास जो भी है अब वही है। तभी जेंट मैन हल्क से यह सब बंद करने को कहता है, हम यहाँ ये सब करने नहीं आए, हमें इससे आगे सोचना होगा, पिछली बार की तरह हमें सब जगह भटकना पड़ेगा, हमें इस बार ऐसा नहीं करना। और वो सबसे कहता है, हमारे पास यही मौका है, मुझे भी तुम्हारी तरह ह्यूमंस को खाना पसंद है, पर हमें इस बार सोचकर काम करना पड़ेगा, हम इस जगह को एक ब्रीडिंग कैंप बनाएंगे और हम खुद को कंट्रोल करके थोड़ा थोड़ा खाएंगे, ऐसा करने से हमें खाने की कमी नहीं होगी। स्पाइडरमैन जेंटमैन की बात सुनकर उस पर एक बीम फायर करता है और कहता है, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया क्या? हमने इसीलिए 40 साल स्पेस में भटककर सब तरफ तबाही मचाई थी? ये वो जगह है जो हमें याद दिलाती है कि हम एक ज़माने में क्या थे, हम सुपर हीरोज थे, और अब मैं ये दोबारा नहीं कर सकता। तब जेंटमैन कहता है, इस बात से कर्नल अमेरिका को गर्व होता, और साथ ही कहता है, क्या कोई इस कीड़े को मारेगा? तब वुल्वरीन उसे मारने को आगे बढ़ता है, जिस पे लूक केज उसे पीछे ढकेलते हुए कहता है, तुम लोगों को हो क्या गया है, तुम्हें नहीं लगता कि वो सही है? तब वास्प लोगों को अंदर जाने को कहती है और हॉकाई की बॉडी से आवाज़ आती है कि वहाँ क्या चल रहा है। तब टचाला को पता चलता है कि वो आवाज़ रेनॉल्ड्स की है जो रोबोट बॉडी से आ रही थी। उस पर टचाला उसे एस्ट्रॉइड एम को ऑर्बिट में ले जाने को कहता है। तब रेनॉल्ड्स कहता है, हम स्पेस से ज़्यादा यहाँ सेफ है, मेरे पास कुछ और है, जब वो लोग न्यू वाकांडा से दूर हो जाए मुझे सिग्नल दे देना। तब टचाला कहता है, ठीक है, और वास्प से मदद मांगता है। तब टचाला ग्लेडेटर को पीछे ढकेलने की कोशिश कर रहा था और आयरन मैन के वार की वजह से वास्प का हाथ टूट चुका था, हल्क ब्रूस बैनर बन चुका था, और वुल्वरीन ने लड़ते वक्त लूक केज को करीब करीब बीच में से काट दिया था। टचाला रेनॉल्ड्स को सिग्नल देता है, उस पर रेनॉल्ड्स कंट्रोल के बटन दबाते हुए कहता है,
प्रे करना ये काम कर जाए। तभी न्यू वाकांडा एक फोर्स फील्ड में सेफ हो जाता है। तब टचाला रेनॉल्ड से कहता है, तुमने कर दिखाया। लेकिन टचाला देखता है ब्रूस, स्पाइडी और लूक के साथ ग्लैडिएटर भी उस फोर्स फील्ड में था, जो कह रहा था, ऐसा लगता है तुमने मुझे कैद कर लिया, जो कि ज़्यादा समझदारी की बात नहीं है।